क्वेश्चन नंबर एक में देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बी आर अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, IAS 1997 में पूछा गया था, देखते हैं आप लोग इसका सही आंसर दे पाते कि नहीं। तो इसका ऑप्शन ए है भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, ऑप्शन बी में दिया है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, या ऑप्शन सी है निम्न वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, या ऑप्शन डी निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा, आप लोग जरूर बताइएगा। मेरे हिसाब से इसका आंसर डी होगा। चलिए ये तो सही हो गया। और देखिए यहाँ नीचे आपकी व्याख्या भी दी है, अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप वीडियो को स्टॉप करके इसकी व्याख्या पूरे पढ़ सकते हैं ताकि आपकी नॉलेज और बढ़ जाए। तो हम लोग बढ़ते हैं अब दूसरे क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर दो में क्या बोला है, वो कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित की थी। क्राउन का मतलब था महारानी, ठीक है। ये देखिए आपका SSC 2020 में पूछा गया था। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में दिया है भारत सरकार अधिनियम 1833, या ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935, या ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1947, या ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1858। इसका आंसर क्या होगा आप लोग देख सकते हैं, इसके आंसर ऑप्शन डी होना है, ठीक है। देखते हैं, देखिए दोबारा दूसरा क्वेश्चन भी मेरा सही हो गया। आप लोग भी बताइएगा लास्ट में कि आपका कितना स्कोर हो रहा है और मेरे कितने स्कोर हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री में देखिए बोला है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। ये देखिए UPSC 1997 में पूछा गया है। तो चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए में बोला है चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन बी में बोला है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, या ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, या ऑप्शन डी भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो इसके आंसर होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ठीक है। व्याख्या दिया है या नीचे आप लोग पढ़ लीजिएगा जरूर वीडियो को स्टॉप करके, ठीक है। तो हम लोग आते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर फोर। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर में क्या बोला है, यह सिद्धांत की स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः यद्यपि अकेले नहीं खुद स्वयं भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था। ये देखो NDA 2020 का क्वेश्चन है। चलिए इसके ऑप्शन भी पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में बोला है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी में बोला है लिन लिथोगो का अगस्त प्रस्ताव, या ऑप्शन सी क्रिप्स प्रस्ताव, या ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लिन लिथोगो का अगस्त प्रस्ताव। यहाँ पर भी व्याख्या दी है, आप लोग पढ़ लीजिएगा जरूर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर से अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, ये क्वेश्चन देखिए शायद आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। ये बोला गया है कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, कब पारित किया गया था, ऑप्शन ए 1773 ईस्वी में, या ऑप्शन बी 1771 ईस्वी में, या ऑप्शन सी 1785 ईस्वी में, या ऑप्शन डी 1793 ईस्वी में। ये तो मेरा पढ़ा हुआ था, इसका तो मैं बहुत जल्दी बता दूँगा, आप लोग भी ज़रूर बताइएगा। यह है ऑप्शन ए 1773 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 1773 को रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा, या ऑप्शन नंबर बी 1784 का पीट इंडिया एक्ट द्वारा, या ऑप्शन नंबर सी 1786 में एडमेंट एक्ट द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट द्वारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर सेवन। तो क्वेश्चन नंबर सेवन में देखिए बोला है महारानी विक्टोरिया को भारत में सम्राज्ञी नियुक्ति किया गया, ठीक है। ये देखिए आपका BPSC 1992 में पूछा गया था। इसके ऑप्शन देखिए दिया हुआ है ए, ऑप्शन नंबर ए में बोला है 1885 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी बोला है 1875 ईस्वी में, या ऑप्शन नंबर सी हो सकता है 1877 ईस्वी में, या ऑप्शन नंबर डी 1858 ईस्वी में। तो इसके आंसर क्या होंगे आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इसके आंसर हो गए 1877 ईस्वी में। चलिए अब तक लो तो मेरे सात आंसर सही हो गए,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, 8 में बोला गया है सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 ईस्वी की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने के आश्वासन दिया था, निम्न आश्वासन में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। ठीक है, पहला ऑप्शन ए में दिया है रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, या ऑप्शन बी देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, या ऑप्शन सी भारतीय एवं यूरोपियन सभा प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, या ऑप्शन डी भारतीयों के सामाजिक एवं धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। इसकी आंसर आई थिंक मुझे डाउट लग रहा है, चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग बोलता हूँ शायद डी, नहीं इसके आंसर गलत हो गया, मुझे डाउट लग रहा था इसके आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है, और अपना भी स्कोर जरूर बताइएगा, मेरा तो एक क्वेश्चन गलत हो गया। इसके आंसर क्या होना चाहिए, बी देसी रजवाड़ों की यथा स्थिति बनाए रखी जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 में बोला है मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था। ठीक है, ये भी देखिए IAS 1992 का क्वेश्चन में गिरा था। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन ए में बोला है पृथक निर्वाचन प्रणाली, ऑप्शन बी में बोला है भारतीय की भागीदारी बढ़ाना, या ऑप्शन सी बोला है युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, या ऑप्शन डी पूर्ण स्वतंत्रता देना। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका देखो मिंटो मार्ले सुधार क्या करता, पृथक निर्वाचन प्रणाली की थी। चलो यहाँ पर भी देखिए आपकी व्याख्या दी है, आप लोग व्याख्या जरूर पढ़िएगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, इसका क्या आंसर होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए यहाँ पर बोला है कि मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार, ऑप्शन ए में बोला है 1905 ईस्वी में, ऑप्शन बी बोला है 1919 ईस्वी में, ऑप्शन सी बोला है 1911 ईस्वी में, या ऑप्शन डी 1920 ईस्वी में। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो इसका आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए 1909 ईस्वी में। चलिए तो यहाँ भी व्याख्या दी है, तो चलिए ये हमारा 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा, मेरा स्कोर कितना आया है, मेरा स्कोर 10 में 9 आया है। ठीक है, ये जो कि बहुत अच्छी बात है, और अपना स्कोर जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग दूसरे वीडियो पर, देखने के लिए थैंक यू।